मिस राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो अभी देखिए, हम लोग रेडी हो चुके हैं और आज मैंने वेयर की है ये वाली साड़ी। और यहाँ पे सब कोई रेडी हो चुका है। यहाँ पे प्रियंका रेडी हो चुकी है, क्षमा यहाँ रेडी हो चुकी है, क्षमा लाडो भी रेडी हो चुकी है, लाडो हो गई रेडी, सुगु सब कोई रेडी हो चुके हैं। बच्चे वहाँ पे हैं बाहर में। तो अभी हम लोग दूसरे के घर पे आए हुए हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगी दुल्हन कैसी है। मम्मी भी आ और जहाँ पे दुल्हन है वो भी मम्मी आप भी आई है वीडियो में। और क्या बोलते, देखिए भूल गई, बच्चे शोर कर। यहाँ देखिए दीदी भी रेडी हो चुकी है। दीदी तो इधर उधर घूम ही रही है, दिख नहीं रही, इधर आओ वहाँ से तुम लोग। यहाँ देखिए दीदी भी रेडी हो चुकी है और देख लीजिए सभी। तो ये सब हम सब सिस्टर आ जाओ, क्षमा तुम भी आ जाओ। देखिए दो मिनट चुप रहो ना, अभी फोटो निकाल लेंगे इसमें से। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग को दुल्हन से मिलवाऊंगी मैं। और आ जाओ दोनों बच्चों, आ जाओ तुम लोग को भी दिखा दे, आ जाओ। तो फ्रेंड्स अभी दुल्हन से आप लोग को मिलवाऊंगी कि दुल्हन। और हम आए हैं यहाँ रिसेप्शन में और रात को जो भी फंक्शन होगा मैं जो मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना शेयर करूंगी आप लोगों से। देखिए यहाँ बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, सारे बच्चे ब्लॉग में आने के लिए ना उतावले हैं। तो मैंने सोचा कि मतलब बच्चों का भी ले लूँ फोटो। तो यहाँ पे फोटो रुझा ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आई हूँ रिसेप्शन में। शादी में नहीं आ पाई थी क्योंकि काम था, थोड़ा बच्चों का एग्जाम भी था। हस्बैंड लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं यार, देखिए बिना नहाए धोए घूम रहे हैं ऐसे ही। तो रात को जो भी फंक्शन होगा मैं आप लोग को दिखाऊंगी, जितना रिकॉर्ड हो सकेगा उतना रिकॉर्ड करूंगी क्योंकि यहाँ पे इतना सारा भीड़ है ना, मैं रिकॉर्ड ही कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और रात में इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना, बहुत लंबा सफ़र था, पूरा सुबह का निकले थे हम लोग, रात में पहुँचे थे। तो इसी वजह से हम मतलब रात का कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया था खाने वगैरह का। तो अभी चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। दीदी हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो अभी आपने देखा कि मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी तो हस्बैंड भी आ गए थे, वो पीछे से मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि कुछ होता जाता है नहीं, बस ऐसे डेली परेशान रहती है। बच्चे भी आ गए हैं और वो सबको मैं जा रही हूँ खाना खिलाने के बाद। फिर अभी बच्चों को मैंने लंच दे दिया है और हाँ जहाँ पे हूँ वहाँ की बातें करती हूँ। तो अभी देखिए मैं अपने मौसी के घर का थोड़ा सा बाहर का लुक दिखा रही हूँ कि मतलब बाहर कैसा दिखता है। और हम अभी यहाँ बाहर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि सभी लोग आ जाएँ तो दुल्हन को देखने चलें। तो अभी देखिए हम चल रहे हैं दुल्हन के कमरे में। तो ये है हमारी मौसी की दूसरे नंबर वाली लड़की। तो ये बाहर में जैसे होता है ना कुछ होता है तो वहाँ से आया था उनके ससुराल से दुल्हन के, तो वही सब वो निकाल रही थी। और यहाँ पे देखिए दुल्हन बैठी है और साइड में उनकी मौसी की सबसे छोटी वाली लड़की है, तो वो रेडी नहीं थी इसलिए कैमरे में नहीं आ रही थी। और आप भी देख लीजिए दुल्हन कैसी है। दुल्हन तो बहुत अच्छी थी नहीं है। और अभी देखिए मैं बड़ी हूँ ना तो मेरा पैर छू रही है। और बस मैं भी कह रही हूँ कि इधर आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमारा फ़ोटो हो रहा है और ये उनकी मौसी की लड़की भी आ गई हैं। और यहाँ पे सभी कोई बैठा हुआ था, बस सभी लोग अपना जो होता है ना हंसी मजाक वही हो रहा था। मैं संतरा लेके आई थी ना तो उसी पे मजाक हो रहा था, तो सब उसी बात पे हंस रहे थे। और फिर दुल्हन के देखने के बाद हम चले जाते हैं ऊपर और थोड़ा सा ही हंसी मजाक हो जाता है क्योंकि हस्बैंड भी हैं। और ये सबसे छोटी क्या लगेगी, सरहज, छोटी सरहज लगेगी। तो बस हंसी मजाक यहाँ पे चल रहा था और सभी लोग आ गए थे देखने के लिए। तो इसके बाद फिर हम जाएंगे छत पर। देखिए रुपेश यहाँ पर है। कौन है? मेरी नानी मौसी, यहाँ देखा नानी, ए नानी यहाँ देखा, ये मेरी नानी है। आई ये मेरी छोटी वाली मामी है और ये मेरी छोटी काम वाली भाई। ये देखिए घर की साफ सफाई कर रही है बड़ी दीदी, सबसे जिम्मेदार। और ये बड़ी मामी यहाँ है। अभी साफ सफाई चल रहा है, यहाँ बड़ी भाभी है, यहाँ सबसे बड़ी YouTube के लिए।
तो यहाँ बड़ी भाभी बैठी हैं, आप कमरा देख सकते हैं कितना फुल है, पूरा घर अस्त व्यस्त है। मामी को दिखा रही है, मामी को भी दिखा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी देखिए साफ सफाई चल रहा है और बस यही सफाई होगा, उसके बाद से नाश्ता तैयार है, किचन क्लीन हो चुका है। और ये एक रूम है, ये एक रूम में लाइट नहीं इसलिए आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, तभी सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। ये देखिए ये बड़ी भैया के लड़का, देखिए बोल रहा है यूट्यूब पे डालने के लिए क्या बोले, हाँ अरे ये बड़े भैया का लड़का है, तभी बस वही काम वगैरह सब कुछ चल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर। तुहरा ढेर ले तो फ्रेंड्स सब तैयारियां चल रही है शाम के पार्टी की, यानी कि रिसेप्शन की, सब कोई लगा हुआ है, घर के जितने भी सदस्य हैं, मौसी के बच्चे वो सब लगे हुए हैं और हम सब लोग मिल गए हैं तो बातें कर रहे हैं। जैसा ऐसे होता है ना कि हम लोग का मिलना बार बार नहीं होता है, कोई मतलब ऐसे शादी वगैरह होता है तभी हम लोग जाते हैं, तो मौसी मामी दीदी वगैरह सब लोग से मिलते हैं, नानी से, तो बस वही बैठ के बातचीत चल रहा था कि कहाँ क्या कैसे क्या, बहुत मज़ा भी आ रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था, मैं क्या ही बताऊँ आपसे। पर ऐसा मौका होता है ना कि बार बार नहीं मिलता है, अब हमारी सिस्टर की शादी पड़ी है तब सब लोग इकट्ठा होंगे, फिर इसके बाद देखिए किसी के घर कुछ पड़ेगा तभी सब लोग इकट्ठा होंगे, वरना तो सब अपने अपने कामों में ही व्यस्त रहते हैं, कहाँ किसी को मौका है कि किसी के घर जाएं मिलें, इस सब टाइप का नहीं होता है कि जब कुछ पड़ता है तभी सब लोग मिलते हैं। फिर देखिए खाना बन चुका था और हम लोग खाना निकाल रहे थे और खाना थोड़ा सा लेट हो गया था, मुझे लग रहा है 2:30 बज गया था, वैसे तो हमारा लंच 2:30 बजे होता है पर सुबह में नाश्ता कुछ हो जाता है, तभी देखिए हम वही खाना निकाल रहे थे, सभी लोग खाना हम लोगों ने दे दिया, फिर हमारी बारी आ गई, हस्बैंड बैठे हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो यही ऊपर बैठ के मैं भी खा लेती हूँ, जगह हो गया था तो बस ऊपर में मैं खा रही थी और प्रियंका सभी को सर्व कर रही थी। तो खाना पीना जब हो जाएगा उसके बाद फिर हम करेंगे शाम के पार्टी की तैयारी। तो अभी हो चुकी है शाम और सब कोई रेडी हो करके आ गया है नाश्ता करने के लिए, एक साइड में डीजे चल रहा है, बच्चे डांस कर रहे हैं और छब्बी परी सभी मतलब डांस कर रहे हैं, सारे बच्चे डांस किए थे, सभी ने खूब इंजॉय किया था, बस लाडो सुगुस हो गए थे, बाकी तो सबको इंजॉय किया था, क्षमा भी बहुत डांस की थी, मैं भी बहुत डांस की थी। पर अभी देखिए हम लोग का चल रहा है नाश्ता, बस नाश्ता ही, मैंने तो सिर्फ नाश्ता मतलब मेरा तो सिर्फ नाश्ते से ही पेट भर गया था और थोड़ा सा छबी ने चावल छोड़ दिया था वो मैंने खा लिया था, बाकी मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों तरह के खाने थे पर एकादशी था इसकी वजह से हम लोग वेज ही खाए थे, बस मैं तो ज़्यादातर मुझे टिक्की बहुत पसंद आ रही थी तो 2-3 बार मैं टिक्की ही लेकर के खा ली थी, इसी से मेरा पेट जो है वो फुल हो गया था। और यहाँ पे देखिए रुपेश इतना ज़्यादा खुश है ना, सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे ना, और उन्हें मतलब मौसी के लड़के जो होते हैं मेरे भैया वो लगा दिए थे सर्विंग करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए सारे बच्चे इतने खुशी से सभी को दे रहे थे ना कि बस पूछिए मत। और ये सब वीडियो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उतना देख के बस यही हो रहा है फिर से ये दिन आ जाए वापस से, इतना मज़ा आया ना, बहुत ही मज़ा आया। तो यहाँ पे देखिए रिशु जो है वो दिखा रहा है कि क्या क्या यहाँ पे बना हुआ है, क्या वो सर्व कर रहा है, ये सारे हमारे घर के कोई मतलब भाई लगते हैं, कोई बेटा लगता है, सब यही सब रिलेशन वाले हैं और सब एक ही उम्र के हैं, 2007 की सभी की मतलब पैदाइश जो है वो 2007 की है, तो सब सेम ही है। देखिए रुपेश यहाँ पे चाउमीन लगा रहा है, सभी को चाउमीन दे रहा है और ये भी बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत डांस किया रुपेश ने भी। तो यहाँ देखिए सभी मतलब सभी लोग आ गए हैं और यहाँ पे सिर्फ नाश्ते का जो है
अरेंजमेंट किया गया है। बाकी खाना और नॉनवेज खाना जो है, वेज और नॉनवेज दोनों दूसरे साइड में हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत, अभी तो कम भीड़ है, बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी नाश्ते पर। और बस हम लोगों ने नाश्ता खाने के बाद से खूब डांस हुआ। यहाँ पे देखिए रिसेप्शन शुरू हो गया, दूल्हा दुल्हन बैठ चुके हैं और दुल्हन भी कितनी प्यारी लग रही है। अब मुझे भी जो गिफ्ट देना था मैंने दे दिया है। थोड़ा सा हमारा फ़ोटो शूट हो गया है, वीडियो कैसेट बन रहा था तो उसमें थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हो गई है। फिर आ जाते हैं हस्बैंड खाना खाने, बस बोले कि चलो साथ में, और मैं उन्हें सर्व कर रही थी, वो बैठ गए थे और जो उनको ज़रूरत पड़ रहा था वो ला के मैं दे रही थी। तो बस देखिए यहाँ पर सभी यहाँ पे फ्रेंड्स फुल मस्ती चल रही है। और मैं इसको, मैंने बिना गाना म्यूट किए अपलोड कर दिया था पर कॉपीराइट आ गया, इसकी वजह से फिर से मैंने डिलीट किया है चैनल से। अब फिर इसका जो रियल वॉइस है उसे म्यूट किया है और फिर उसके बाद से थोड़ा सा मतलब विदाउट कॉपीराइट म्यूज़िक लगाया है, तो देखिए क्या होता है। और यहाँ पर देखिए हमारी मम्मी भी डांस कर रही हैं, वो भी इंजॉय कर रही हैं। सभी कोई अपने अपने गाने पे अपने अपने स्टाइल पे डांस कर रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और रुपेश भी बहुत ज़्यादा खुश था, आप पीछे देख सकते हो। रात को एक डेढ़ क्या हम, मुझे लगता है 3 बज गया था, सब थके नहीं थे। 3 बजे तक पूरा फुल डांस चल रहा था, कोई थक ही नहीं रहा था, इतना डांस कर रहा था फिर भी किसी को थकान नहीं हो रही थी। तो फ्रेंड्स ये एक मेमोरी रह जाएगी हमेशा के लिए मेरे पास, इसी वजह से मैंने रिकॉर्ड किया ये सब कुछ। अब बिना कॉपीराइट के सोचे हुए मैंने सॉन्ग भी डाल दिया, बिना सॉन्ग के अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत लगी थी इसको बनाने में, जगह जगह शूट करने में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर।